अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कुछ ऐसे क्वाइंस के बारे में जो आपका रिसेंटली क्रिप्टो की मार्केट से हुए नुकसान को किसी हद तक पूरा करवा सकता है, लेकिन आपने उन क्वाइंस में किस तरह एंट्री लेनी है, क्या होगी आज की हमारी हिकमत अमली जिससे आप रिसेंटली टेरा लूना में आपके हुए तमाम नुकसान को हम आसानी से पूरा कर सकते हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, इस वीडियो को दोस्तों गौर से देखना है। क्वाइंस के नाम सुन लेने के बाद आप अगर वीडियो बंद कर देंगे तो यकीनन आप अपना दूसरा एक बड़ा नुकसान करेंगे। तो दोस्तों, यहां पर क्रिप्टो की मार्केट पहले से ही क्रैश हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, जिसे लेकर डूबा इस वक्त टेरा लूना, लेकिन जाते जाते वो इस वक्त क्रिप्टो यूज़र पर एक बहुत बड़ा एहसान भी कर गया। और वो एहसान ये है दोस्तों कि मार्केट के सुपर्ब कॉइन जिनके अंदर बहुत ज़बरदस्त इस वक्त पोटेंशियल मौजूद है, वो उनका सर इस वक्त ज़मीन के साथ जाके लग चुका है। वो कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो रिसेंटली अगर हम उनमें ईच कॉइन में फॉलो कीजिएगा, ईच कॉइन में अगर हमारी 3 स्टेप बाइंग होगी और कैसे बाइंग होगी अगर आप उसे फॉलो करते हैं, तो यकीन रखिएगा कि मेरी ये वीडियो आपका पूरा लॉस तो पूरा रिकवर करेगी, साथ साथ आपको एक अच्छा प्रॉफिट भी दे करके जाएगी। तो इससे पहले कि हम उन कॉइन्स की तरफ बढ़ें, आपने क्या करना है, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और अगर आप चाहते हैं कि आपसे हमारे आने वाले किसी भी प्रोजेक्ट की कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना हो और ना ही मिस हो उसका नोटिफिकेशन, तो चैनल के बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं जल्दी से उन टॉप 5 कॉइन की तरफ। तो व्यूवर्स, अगर आप रिसेंटली हुआ आपका नुकसान पूरा करने में वाकई ही संजीदा हैं, तो जो इस कॉइन को लेकर यानी कि टॉप 5 कॉइन को लेकर मैं इस वक्त आपसे जो भी प्लानिंग शेयर करने वाला हूं, वो आपने मिस नहीं करनी। वीडियो को गौर से सुनिएगा और यकीनन 15 या 20 दिन के बाद आकर आपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपका जो लॉस है वो पूरा हुआ कि नहीं, बशर्त ये कि आपने इसे एग्जैक्टली वैसे फॉलो करना है जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके सामने दोस्तों मैंने आगाज ही में ओपन कर रखा है कॉइन जिसका नाम है कुसामा यानी कि KSM। ऑल टाइम हाई यानी कि जब मार्केट क्रैश की 40,000 से बिटकॉइन की, तो ये $300 पे उस वक्त ट्रेड हो रहा था। अब हम समझते हैं कि इससे ज़बरदस्त प्रोजेक्ट ही कोई नहीं दोस्तों, क्योंकि ये हर मार्केट में अपने आप को रिकवर करता है। यहाँ पर जब मार्केट क्रैश हुई तो सभी बड़े कॉइन्स क्रैश हुए और इवन के टेरा लूना बैंकक्रप्ट हो गया। अब उसके बैंकक्रप्ट की कहानी मैं काफ़ी दफ़ा आपको अपनी रिसेंटली वीडियोस में बता चुका हूँ। अब आपने KSM कैसे बाय करना है, इसके ऊपर गौर से बात सुन लीजिएगा। मान लें कि अभी ये आपको $70 पे देखने को मिल रहा है, तो आपने इसे वन टाइम एक मरतबा मौजूदा प्राइस पे बाय कर लेना है जो हम $70 देख रहे हैं। सेकंड बाइंग आपकी दोस्तों, लेट्स सपोज इसके बाद ये क्रैश करता है तो आप $60 पे भी बाइंग कर लीजिएगा, और अगर लेट्स सपोज उसके बाद थर्ड टाइम भी ये क्रॉस करता है अपनी लिमिट को, तो फिर आप उसे उसके बाद 3 डिफरेंट लिमिट्स में बाय कर सकते हैं। याद रखिएगा कि मार्केट की सूरत हाल कुछ भी हो, ये कॉइन आपको लाजिम प्रॉफिट देता है। और ध्यान में रखें कि मैंने आपको 3 स्टेप बाइंग आपको इस तरह बताई है कि मसलन आप अगर 3 कॉइन बाय करना चाहते हैं KSM के, तो आपकी यही हिकमत अमली होनी चाहिए। अगर आप $1,000 की बाइंग करना चाहते हैं, देन आप उसको 3 टाइम पे खुद ही जो कि है डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 400, 300, देन 300, आपका $1,000 होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप $100 की बाइंग करना चाहते हैं तो भी आप इसको 3 स्टेप में बाय कर सकते हैं। हालांकि ये एक कॉइन 3 स्टेप में आपके लिए सूटेबल नहीं होगा, लेकिन जो मैं आगे कॉइन बताने वाला हूं वो आपको सूटेबल होंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि इसका ऑल टाइम हाई भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जो मार्केट जब क्रैश हुई तो आपके सामने ये कॉइन 300 जैसे हाई लैंडमार्क पर पहुँच चुका था, अभी ये क्रैश कर चुका है। यहाँ पर अगर हम इसकी हिस्ट्री खोलने बैठें तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, लिहाजा कुसामा में आपकी एंट्री आज की मार्केट में आपका सारा लॉस रिकवर करवा सकती है। लेकिन यहाँ पर मेरा एक स्लोगन हमेशा फॉलो कीजिएगा कि नेवर पुट योर ऑल मनी इन वन कॉइन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जहन में रखिएगा कि इसकी मौजूदा प्राइस अभी भी 2 टाइम डिफरेंट है, यानी कि यहाँ पर हमें आज का हाई 77.68 देखने को मिल रहा है और 66.47। आपने इसको 3 डिफरेंट रेट पे बाय करना है, जिसे हम डिफरेंट लैंग्वेज में डॉलर कॉस्ट भी कहते हैं। अब बढ़ते हैं सेकेंड कॉइन की तरफ। सेकेंड कॉइन में दोस्तों आपकी एंट्री जो होगी वो जी कैश में होगी। ये अभी तक इस क्रैश मार्केट में ये $65 का लो लगा चुका है, और मैं समझता हूँ ये एक मरतबा फिर से लो लगा सकता है, लिहाजा आपकी पहली एंट्री कहाँ होनी चाहिए उस पर बात कर लेते हैं।
आज के दिन ये 108.90 और लो 91.91 का जो कि है लो और हाई लगा चुका है। इस दोनों के बीच ये 104 पे खड़ा है। मैं समझता हूँ कि मार्केट अभी थोड़ी सी और स्टेबल होती है तो ये मजीद बढ़ जाएगा, लेकिन उससे पहले आप इसमें फर्स्ट एंट्री 98 या 100 डॉलर में ले सकते हैं। फर्स्ट एंट्री ये, सेकंड एंट्री आपकी होनी चाहिए दोस्तों तकरीबन 88 डॉलर की, और उसके बाद आपकी जो लास्ट एंट्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए 75 डॉलर की। इन तीन रेट पे आपने इस कॉइन को बाय करना है, और हर सूरत आप अपना आने वाला जो सबका जो आपका लॉस था वो रिकवर कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसके भी क्रैश होने से पहले के हाई को मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ दोस्तों। तो ये 148 तक ट्रेड हुआ, यहाँ पर आप अभी इसे कम देख रहे हैं। मैं आपको इसकी लास्ट 3 मंथ की अगर परफॉर्मेंस दिखाऊं तो ये 200 डॉलर तक गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। और क्रैशिंग जिन दिनों में स्टार्ट हुई तब ये 180 डॉलर पे खड़ा था। तो लिहाजा दिस इज़ द सुपर वन फॉर द लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म भी कितनी होगी दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ मार्केट के 32 या 33 हज़ार पे जाने पे ये आपको एक अच्छी प्रॉफिट दे सकते हैं। बढ़ते हैं थर्ड कॉइन की तरफ। थर्ड कॉइन के तौर पे दोस्तों आपने रूनी कॉइन में एंट्री लेनी है, जिसका भी रिसेंटली क्रैश होने से पहले जो हाई था वो 24 डॉलर था, और ये 21 डॉलर के करीब ट्रेड हो रहा था। अब क्योंकि ये बिल्कुल ज़मीन के साथ जाके लग गया है, और अभी ये 2.66 से रिकवर करके 3.37 पे आ चुका है। यहाँ पर क्योंकि ये अब कम प्राइस की रेंज का कॉइन है, क्योंकि पहले दो जो कॉइन मैंने आपको बताए वो ज़रा आप समझ लें कि हाई कॉइन्स थे। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं वो नहीं ले सकते उनमें रेंज, यानी कि उनका पूरा सर्कल ही 100 डॉलर का होता है। तो अब ये जो मैं कॉइन बताने वाला हूँ ये उन तमाम दोस्तों के लिए कारामद होंगे। अब यहाँ पर आपकी फ़र्स्ट एंट्री दोस्तों 3.30 सेंट पे बनती है, सेकंड एंट्री आप ले लीजिएगा इसमें 3 डॉलर पे, और उसके बाद जो आपकी थर्ड एंट्री होगी वो होगी 2.85 पे। लेट सपोज अगर यहाँ पे मार्केट क्रैश कर जाती है, ये कॉइन आपको दोस्तों मार्केट के थोड़े से संभलने पे ही आपको एक अच्छी प्रॉफिट दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं फोर्थ कॉइन की तरफ। फॉर द फोर्थ कॉइन आपने एपी कॉइन में 200 एंट्री लेनी है। अच्छा, इसमें एंट्री लेने से पहले आपने रैंक ज़रूर फॉलो कर लेना है। ये 32 रैंक का कॉइन है एपीई। एक दूसरा कॉइन भी है दोस्तों एपीई, लेकिन उसके ऊपर पिक्चर जो है वो एक बंदर की बनी हुई है, तो इसके ऊपर एक स्केल्टन है। तो ध्यान में रखिएगा कि आपने इसी कॉइन में एंट्री लेनी है, और इसकी जो फर्स्ट आपकी जो ख़रीदारी होगी बाइंग होगी वो मेरे नज़दीक 8 डॉलर बनती है। उसके बाद की जो आपकी बाइंग होगी वो होगी 7.45 की, और एक जो लास्ट आपकी बाइंग होगी उससे रख छोड़िएगा आप 6 डॉलर के लिए, क्योंकि ये 6 डॉलर का लो लगा कर आया है। और अब हर मार्केट में डे बाई डे एक नया सूरज चढ़ने के साथ साथ ये रिकवर कर रहा है। मौजूदा अगर हम इसके दोस्तों प्राइस देखते हैं तो परसेंटेज के हिसाब से 60% का इसमें इजाफा हो चुका है। मैं चाहता हूं कि मैं आपसे इसका ऑल टाइम हाई भी डिस्कस कर लूं दोस्तों। तो ऑल टाइम हाई इसका आप 26 डॉलर देख रहे हैं, और मैं समझता हूं कि इसमें अगर कोई दोस्त 100 डॉलर की भी इन्वेस्टमेंट करता है तो वो उसे एक अच्छी परफॉर्मेंस भी और पैसा भी कमाने को मिल सकता है, और पुराने जितने भी उसके नुकसान हैं वो पूरे हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं जल्दी से लास्ट कॉइन की तरफ। यहाँ पर दोस्तों लास्ट कॉइन जो हम एंट्री के तौर पे आपसे शेयर करेंगे उसका नाम है गाल, जो रिसेंटली अनफॉर्चुनेटली उन दिनों में ही लॉन्च हुआ जिन दिनों में मार्केट ने क्रैश करना स्टार्ट किया और टेरा लूना बैंकरप्ट हुआ। यहाँ पर 6.41 इसके प्राइस देखने को मिल रहे हैं। हाई इसका भी रिसेंटली जब मार्केट पंप हुई तो 44 डॉलर था, उसके बाद ये 16 डॉलर पे स्टेबल हो चुका था, और 16 डॉलर ही इसकी जो कि है नॉर्मल प्राइस है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि मार्केट का क्रैश का इस पर क्या असर पड़ा। दोस्तों मार्केट के क्रैश ने इसको 10 डॉलर जो है ज़मीन के साथ लगा दिया, और अब ये रिकवरी की तरफ आ रहा है। तकरीबन 1.25 सेंट का इसमें पिछले 3 दिनों में इजाफा हुआ है। अब दोस्तों आपकी इसमें फर्स्ट एंट्री जो है वो 6.25 सेंट बनती है, सेकंड एंट्री ले लीजिएगा आप इसमें 5.25 डॉलर में, यानी कि 25 सेंट में, और लास्ट एंट्री रख छोड़िएगा वर्स्ट डाउन होने पर, क्योंकि मार्केट अभी भी इतनी कोई स्टेबल दिखाई नहीं दे रही। तो दोस्तों गाल कॉइन की अगर आप पोटेंशियल की बात करते हैं तो इस कॉइन में बड़ी ज़बरदस्त पोटेंशियल मौजूद है, और अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग ऐसे हैं जो कम जानते हैं कि गाल को अपना सर बाहर निकालने का भी मौका ही नहीं मिल सका और मार्केट डाउनफॉल का शिकार हो गई। तो दोस्तों ये हो गए टॉप 5 कॉइन जो आपका लॉस पूरा करवा सकते हैं। और एक कॉइन मैं मज़ीद ऐड करना चाहता हूँ जो टॉप 5 कॉइन से भी आगे जाकर के आगे का सिलसिला है, और वो है जीएमटी।
जीएमटी को हर सूरत आप किसी भी रेट पे बाय करके थ्री स्टेप में अपने पास रख सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि वो 4.20 सेंट के हाई और लो जो उसकी बात करें तो वो था 3.85 सेंट पे खड़ा था जब मार्केट क्रैश हुई, और एक टाइम आया वो 85 सेंट पे पहुंच गया। तो यहाँ पर आपने किसी भी सूरत जीएमटी को इग्नोर नहीं करना, वो हर मार्केट का कॉइन है। इंशाल्लाह आपको थ्री स्टेप बाइंग में वो भी फ़ायदा दे सकता है। जीएमटी में आपकी फ़र्स्ट एंट्री अभी के प्राइस की हो जाए तो भी सुपर्ब है, अगर आप उसमें थ्री स्टेप की क्या हर मार्केट के स्टेप की भी बाइंग करें तो भी आपका हर लॉस पूरा हो सकता है। तो दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि ये तमाम कॉइन्स आपको बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट देंगे। उसके बाद आपने हमारे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर लिखना है कि आपने क्या अर्न किया, और मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।